तो हेलो एंड वेलकम अगेन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक एक्सप्लोर जो सिस्टम है इसमें वो काम करता है और दूसरा प्रॉपर्टी विंडो जो हमने पिछले वीडियो में देखा था उसको हम थोड़ा सा और एक अलग तरीके से देखेंगे कि हाउ वी कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट ठीक है ना और दूसरा हम इसमें एक चीज ये भी देख रहे हैं यहाँ पे हाल फिलहाल की हेडसेप डिस्प्ले कैसे काम करता है

एक मेरे सामने बॉक्स खुद ब खुद ओपन होके गया आप यहाँ राइट हैंड साइड में देख सकते हो एक बॉक्स ओपन है जैसे ही आप इस बॉक्स को पकड़ के ड्रैक करोगे ना तो आप स्क्रीन के दोनों कोनों पे देखो एक स्नैपिंग टूल बन रहा है अगर आप वहां जाके इसको छोड़ दोगे तो वहां पर स्नैप हो जाए ठीक है अभी हाल फिलहाल मैं नहीं चाहता वहां स्नैप हो तो मैं इसको जस्ट एज हैंगिंग ही रखूंगा अब देखो जो हमने हम लाइन बनाना चाहते हैं और ये पूछ रहा है एक हेडसअप डिस्प्ले आ रहा है मतलब कर्सर के साथ में एक डिस्प्ले है इसे हेडसेप डिस्प्ले कहते हैं बोल रहा है एंटर स्टार्ट पॉइंट कहीं भी लट से हम लोग क्लिक करते तो वो स्टार्ट पॉइंट बन जाएगा और आप देखो हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लाइन में दो चीजें पूछ रहा है पैरामीटर पैरामीटर्स में पूछ रहा है डिस्टेंस पहली चीज ये आप डिस्टेंस डाल सकते हो और उस डिस्टेंस के जस्ट अगर आप आगे देखोगे तो एक की आ रही है ट्राइंगल जैसे जो कि आप की पे राइट और लेफ्ट वाली अगर की दबाओगे तो वो वैल्यू चेंज होती है तो अगर आप आगे के बटन दबाओगे तो अब वो क्या मांग रहा है लाइन का डायरेक्शन मांग रहा है और फिर से अगर आगे दबाओगे तो वो डिस्टेंस मांग रहा है कहने का मतलब लिया दो चीजें आपसे पूछेगा अगर आप आपकी कीबोर्ड पे राइट लेफ्ट वाली बटन होती है ठीक है उससे आप इन चीजों को क्या कर सकते हो ऑप्शन को चेंज कर सकते हो इजीली से मैं डिस्टेंस डाल देता हूँ फाइव और मैं एंटर कर देता हूँ फाइव हंड्रेड पे क्या होगा लॉक हो जाएगा आगे हमारे पास 500 पे पे लॉक लॉक हो 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 गई गई व्हील से आप जूम आउट कर सकते ये सिमिलरली राइट की दबाऊंगा अगर की पे अब मैं डायरेक्शन में चले जाऊंगा या मैं उस लाइन की बीरिंग डाल सकता हूँ ठीक है ना कोई भी जैसे लट से साउथ एटी साउथ एटी और लट से जीरो जीरो और जीरो जीरो एंटर तो अब देखो ये साउथ एटी डिग्री ईस्ट पे क्या होगी लॉक होगी तो जीरो जीरो आपको डालना पड़ेगा क्योंकि ये मिनट्स भी लेगा सेकंड भी लेगा है ना तो ये लाइन एक तरीके से बन गई आपको जहां पे भी इसको फाइनल करना है आप जस्ट लेफ्ट क्लिक करोगे तो इट विल बी फाइनल वो लाइन वहां पे फाइनल हो जाएगी ठीक है दूसरा आप इस डिस्प्ले से भी चीजों को बना सकते हो ठीक है अगर जैसे मैं लाइन पे क्लिक करूँ क्लिक करू तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिस्टेंस मांग रहा है आप डिस्टेंस पे राइट क्लिक करके कुछ डिस्टेंस दे सकते हो लाइक टू हंड्रेड और फिर लाइन डायरेक्शन में जाके आप क्या कर सकते हो लाइन की डायरेक्शन भी दे सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैं ये नॉर्थ ईस्ट में बनाता हूँ लाइन को और इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ ट्वेंटी जीरो 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 कर देता हूँ देखो वो लाइन ऊपर जाके हमारी बन गई वहां पर सेट हो गई लेफ्ट क्लिक करके मैं उसको फाइनल कर दूंगा तो इसी आप बोलते हैं हेड्स अप डिस्प्ले नेक्स्ट मैं अपन दे बता देता हूँ होम में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक एक्सप्लोरर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं है ना आपके उस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सारी आपको एक्सप्लोरर से मिलेगी जैसे ही आप एक्सप्लोर पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो लेफ्ट में बहुत सारे आपके पास आइटम्स आ जाएंगे ठीक है हो सकता है आपके केस में सारे स्टार्टिंग में से बंद हो तो इसमें हाल फिलहाल हम लोग देखेंगे ओपन रूड मॉडल अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो ये एक्सपांड हो जाएगा इसमें हमारी ज्योमेट्री डॉट डीजीएन फाइल है इस पर अगर मैं यहाँ से एक्सपांड करूंगा तो बहुत सारे इसमें और चीजें तो हाल फिलहाल इस फाइल के अंदर कुछ अलाइनमेंट्स है कुछ लीनियर ज्योमेट्री है कुछ रेफरेंस मॉडल्स है और बहुत सारी चीजें है तो अगर मैं अलाइनमेंट के ऊपर इस बटन पर क्लिक करूंगा तो अलाइनमेंट में कौन कौन सा अलाइनमेंट है तो एक जियोम बेस लाइन फीचर है फीचर मतलब एक तरीके से लेयर है यू कैन से अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है लंडन रोड ठीक है और इसमें क्लिक करूंगा तो लंडन रोड जो हमने बनाया उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ठीक है ठीके? तो कहने का मतलब अगर, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो वो मेन ड्रॉइंग में हाईलाइट भी हो जाती है अगर तो मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तो वो रेड दिख रही है जैसे क्लिक करूंगा वो सेलेक्ट हो जाएगी आप इस पर राइट क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शंस भी देख सकते हो जाएगा यहां से रिपोर्ट्स निकालनी है तो हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री रिपोर्ट निकाल सकते हो क्योंकि हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री है इसलिए ये सब अपन करने बताऊंगा बट अभी मैं सब बस ये बताना चाह रहा हूँ कैसे आप एक्सप्लोरर विंडो को यूज कर सकते हो है ना इसके अंदर प्रोफाइल व्यू भी है एंड ऑल दैट वो सारी चीजें ठीक है सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि मैं इसको पिन कर देना चाहूँ तो यहाँ ऊपर पिन कर सकते हो तो पिन से क्या ये यहाँ लास्ट में देखो एक्सप्लोर करके पिन हो गई जैसे आप इसके ऊपर कर्सर ले जाओगे ये खुल जाएगी और फिर से अगर आप इसको अनपिन करना चाहो तो उसमें अनपिन कर देना है बाहर आ जाएगी बाहर आके अगर आप इसको हटाना चाहो तो क्रॉस पे क्लिक करना हट जाएगी और फिर से एक्सप्लोर पर क्लिक करोगे तो वो आ जाएगी अब ये तो हो गया एक्सप्लोर अब मैंने एक प्रॉपर्टी देखने का तरीका आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जैसे अगर आपने कोई एलिमेंट सेलेक्ट किया एलिमेंट सेलेक्शन मैंने लिया और ये एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया और थोड़ी देर अगर कर्सर में यहीं रखूंगा तो व्हाट आई आई विल हैव अ टोल टेप यह एक तरीके से हमारा टोल टिप आएगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रहा था तो प्रॉपर्टी क्लिक करूंगा तो प्रॉपर्टी आ जाएगी ठीक है दूसरा तरीका ये होता है कि एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया और यहीं पे होम टैप के अंदर ही प्राइमरी में यहाँ पे देखो ये हमारा प्रॉपर्टी का सिम्बल है अगर इस पर क्लिक करोगे वट यूल है प्रॉपर्टी विंडो जैसा आप एक्सप्लोर विंडो आया था वैसे प्रॉपर्टी विंडो आ जाएगा ठीक है आप इसको बड़ा कर सकते हो छोटा कर सकते हो जैसा करना चाहो आप इसको उठा के दूसरी तरफ भी टाइप कर सकते कर सकते हो स्टाइप इधर मैंने इसको कर दिया दूसरी तरफ किसी और को कर दिया वे यू कैन डू इट और वही सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद पिन करना चाहो तो पिन कर दो ये कोने में पे प्रॉपर्टीज पिन रहेगी जैसे कर्सर जाएगा खुल जाएगी कर्सर दूर जाएगा वो खुद बी खुद ही बंद हो जाएगी ठीक है तो कहने का मतलब दिस इज हाउ यू कैन डू दिस थिंग ठीक है तो ये इतना आसान आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेफ्ट में लगा सकते हो राइट में लगा सकते हो तो आपके जो जो विंडोज काम में आने होंगे सारे काम आएंगे ठीक है चलो तो इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरी चीजें देखेंगे